अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगी हैश ब्राउन। हैश ब्राउन बनाने के लिए मैंने पहले ली हैं 4 मीडियम साइज़ आलू। इनको मैंने पील ऑफ कर लिया है और इनको हमने ठंडे पानी में रखना है। अब इन आलूओं को हम करेंगे कद्दूकश। हम आलूओं को ठंडे पानी में कद्दूकश कर लेंगे। इस तरह से ये 10 मिनट के लिए हमने इसको ठंडे पानी में रखना है। उसके बाद इसको एक और साफ पानी के बाउल में कन्वर्ट कर देना है। ये जैसा कि मैंने अभी ये 10 मिनट के लिए रख दिया है इसको, अब मैं इसको दूसरे पानी में 10 मिनट के लिए रखूँगी साफ पानी में। ये ठंडे पानी में हमने इन आलूओं को हमने साफ पानी में डाल देना है। दस मिनट के लिए आपने इसको साफ पानी में भिगोए रखना है। राइस फ्लोर लिया है मैंने 4 टेबलस्पून, बटर लिया है मैंने 1.5 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर लिया है मैंने 1.5 टीस्पून पेपरिका पाउडर, और कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, सॉल्ट लिया है मैंने 1.5 टीस्पून, आप हसबे जायका ऐड भी कर सकते हैं, गार्लिक पाउडर लिया है मैंने 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है मैंने 1.5 टीस्पून, अच्छा 1/4 कप मैंने चेडर चीज़ लिया है, इसको मैंने ग्रेटेड कर लिया है आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये 1/2 टीस्पून मैंने डाडा मिर्च ली है। देखिए आलूओं को हमने पानी से अच्छे से निचोड़ के निकाल लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम हमने अपनी आंच को रखा है, उसमें हमने बटर को डाल देना है, उसको मेल्ट कर लेना है। अब इसमें हमने अपने आलूओं को थोड़ा सा पकाना है, मतलब इस तरह कर लेना है कि वो सॉफ्ट हो जाए, उनका पानी बिल्कुल सूख जाए। हमने इसको अच्छी तरह पकाना है, ठीक है, और इसको हमने देखना है जब तक कि इसका टेक्सचर सॉफ्ट एंड बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाते आलू। ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने 5 मिनट्स तक लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आलू सॉफ्ट हो गए हैं और ड्राई हो गए हैं, हमने इसको 5 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक कर लिया था। अब हमने ये सारा मिक्सचर इस बाउल के अंदर डाल लेना है। अब हमने इसमें बाकी सारे मिक्सचर्स ऐड कर देने हैं। साथ हमने अपना चीज़ भी अंदर ऐड कर देना है। अब हमने इस सारे मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथ के साथ करना है। चलो
ये देखें मटेरियल को हम अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। इसकी नमक मिर्च हमने टेस्ट कर ली है, थोड़ा सा नमक कम मुझे महसूस हुआ था, मैंने हसबे जायका थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है। ये देखें मैंने हैश ब्राउन की शेप बना ली है मटेरियल से। अब मैंने साथ में शैलो ब्राउन करने के लिए ऑयल पैन में डाल के रख दिया है, उनको हम लोग शैलो ब्राउन करेंगे। ऑयल को हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब मैं इसमें एक एक करके हैश ब्राउन डाल दूंगी फ्राई होने के लिए। जैसा कि आपने देखा हमारे हैश ब्राउन फ्राई हो रहे हैं, अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया है, यही कलर ठीक है, इतना ही उधर से भी होंगे ना। ये हमारे हैश ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए कितना अच्छा कलर इनका आ गया है, गोल्डन ब्राउन। तो हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मज़ेदार किस्म के हैश ब्राउन तैयार है, आप इनको केचप के साथ ट्राई करें। और कलर देखें कितना अच्छा है, कलर देखें कितना अच्छा है। और मेरी रेसिपी को लाइक करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर कमेंट करें अगर आपको पसंद आई हैं, और अगर आप और मज़ेदार किस्म की रेसिपीज ट्राई करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।